दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से माप के लिए नवंबर 2022 के तीसरे सप्ताह की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। जी हाँ दोस्तों, रोजगार समाचार की साप्ताहिक अपडेट आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। 50,000 से अधिक वैकेंसीज है। 10वीं और 12वीं पास के लिए भी आवेदन करने का बड़ा और सुनहरा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं नवंबर 2022 के तीसरे सप्ताह की टॉप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है CISF में। कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 787 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। Level 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। फिजिकल रिटर्न मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो CISFRecruit.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर की जॉब है वो निकली है महाराष्ट्र स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस कांस्टेबल SRPF, पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। 18,331 वैकेंसीज है। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। 5200 से 20,200 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। 450-350 रुपये फीस है। रिटर्न फिजिकल से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है mahapolice.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है SSC में। यहाँ पर LDC, JSA, PAS से DEO की भर्ती है। 4000 से अधिक पद है। 6 दिसंबर से आवेदन चलेंगे। Level 2 और 4 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है त्रिपुरा पुलिस डिपार्टमेंट में। कॉन्स्टेबल मैन वोमैन की भर्ती है। 1000 वैकेंसीज है। 22 दिसंबर रिक्रूटमेंट रैली की डेट है। Level 6 के अंतर्गत सैलरी है। 8वीं-10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फिजिकल रिटर्न पर्सनल इंस्ट्रक्शन के आधार पर चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। त्रिपुरा जॉब लोकेशन है tripurapolice.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है UP SSSC में। जूनियर असिस्टेंट के लिए 1262 वैकेंसीज है। 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। Level 3 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 25 रुपये एप्लीकेशन फीस है। PET स्कोर कार्ड, रिटर्न एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है UP SSSC.gov.in, की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों, जो 6 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है OSSC में। CGL के माध्यम से भर्ती होगी। वेरियस पोस्ट है, जैसे कि ऑडिटर, ग्राम पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर, इंस्पेक्टर और भी पोस्ट है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क की। 1267 वैकेंसीज है। 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। Level 4, Level 9 के अंतर्गत सैलरी है। डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। OSSC.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें 7 नंबर पर जॉब निकली है वो भी OSSC में निकली है। CTS एग्जाम से भर्ती होगी। JEE और ATO की पोस्ट है। 1225 वैकेंसीज है। 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हो। Level 9 के अंतर्गत सैलरी है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, 10th ITI डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। प्री मेन एग्जाम और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है OSSC.gov.in, की ऑफिशियल वेबसाइट है।
उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब है वो निकली है DRDO में। यहाँ पर वेरियस पोस्ट है, 1061 वैकेंसीज निकली है, 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 2, लेवल 4, लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी है। 10th-12th डिग्री PG डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। टीयर 1st-2nd से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो DRDO.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो निकली है NHM में। NHM राजस्थान में CHO की भर्ती है। 3531 वैकेंसीज है। 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हो। 25,000 सैलरी है। BSc GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 450, 350, 250 रुपये फीस है। एग्जाम से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है sso.rajasthan.gov.in। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर की जॉब है वो भी SSC में ही निकली है। कांस्टेबल GD की भर्ती है। 24,369 वैकेंसीज है। 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हो। लेवल 1, लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो ssc.nic.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी नवंबर के तीसरे सप्ताह की टॉप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस 1st कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।